तो मैच शानदार था, रिंकू इस फॉर्म में हो और एकदम से जैसे कि इलेक्ट्रिक शॉक लगा उनको भी, और उन्होंने बहुत ज्यादा करंट लगाया ऑपोजिशन को भी। आज जो भाई जो मार मारी ऑस्ट्रेलिया को इन यंगस्टर्स ने, खास करके जयसवाल ने, रिंकू सिंह ने, ईशान किशन ने, कमाल बैटिंग यार। भूखे शेरों की तरह, यानी कि वो जो यंग इंडियन बैम्बूजल वाला सीन है ना, रेटल हाँ रेटल, भूखे शेरों की तरह लपेटा है आज। ऑस्ट्रेलिया का पकड़ के घंटा बजा दिया है, ये मैक्सवेल को ले आए, ट्रेवर्स हेड को ले आए, अपनी अम्मी को ले आए, अपने अप्पू को ले आए, इनका घंटा बजनी बजना है। नहीं फेस करनी चाहिए थी ऑस्ट्रेलिया, बैग पैक करे और घर जाए। उसकी वजह ये है कि ये जो बदला ले रहे हैं ना, मेरे हिसाब से ये बदला है। परफेक्ट हिटिंग, अपने आप को उन्होंने नर्व्स को काबू में रखा और अपने आप से बढ़ के खेला, और इसी मुकाबले को देखने का भी एक बहुत बड़ा रीजन यही था। लास्ट के 5 मिनट उन्हें ये मालूम था कि भैया रिंकू सिंह पागल आदमी है तो 5-5 छक्के भी मार देता है, चेस करता होगा, तो बैटिंग इन्हें दे दो। तो रिंकू को किसी ने बताया कि तेरे खौफ से बेटा इन्होंने बैटिंग दी है, उसने कहा मैं पहले ही तेरे कर दूंगा कि बनाते रहो। इंडिया ने आखिरी 7 ओवर्स में 111 रन किए हैं, 111 रन किए, दैट इज लाइक यू नो आई मीन एस्टॉनिशिंग। तो और फिर जो कॉन्फिडेंस इस इंडियन टीम का, और बिश्नोई और अक्षर पटेल वर द टू बॉलर्स हु बेसिकली वन द मैच फॉर इंडिया। ए बी टीम, ये मैं कह रहा हूं ए प्लस 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 टीम थी ये, किधर से बी टीम है? बी टीम तो मुझे ऑस्ट्रेलिया बल्कि सी टीम लग रही थी। एक दिन तो 25 पे 53 मारा वो जो ओपनर था उनका, इतना अच्छा 18 साल का लड़का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहा है और इतना हाई पोटेंशियल मारा है, इतने उसके प्रोजेक्ट। इस पिच पे 235 बन भी सकते थे, लेकिन इंडिया की बॉलिंग लाइनअप भी तो है ना, ये वो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप तो नहीं ना कि ठुलड़, ये 400 भी बनवा दे। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्रिकेट प्लेयर चैनल पर। भारत ने सेकंड T20 मैच में भी ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है, भारत की यंग टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, और कभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ की सीनियर टीम है। ऐसा लगता है कि इंडिया की जो भी टीमें हैं वे भारत की सबसे अच्छी टीम है। पहले 200 रन चेज कर लेगी, फिर दूसरी टीम ODI में 235 रन का टारगेट दे देना, और फिर उसमें उसको डिफेंड भी सही तरीके से कर लेना। हमारी युवा टीम बिना सीनियर टीम के ऑस्ट्रेलिया से बदला ले रही है। कल 7 ऐसे प्लेयर वर्ल्ड कप जो खेल रहे थे एशिया में, उसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया कुछ नहीं कर पाया, और इस तरीके से बॉलिंग और बैटिंग बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बॉलर और बैट्समैन को पवेलियन पहुंचाया, सच में मजा आ गया। भाई यार ये जो इंडिया के पास जो मतलब बेन स्ट्रेंथ है ना, खास करके T20 फॉर्मेट में, आई मीन इट्स ऑसम यार। मतलब आज जिस तरह से इंडिया ने, इस इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया को फिर हराया आज T20 में, सेकंड T20 में 44 रन से, आई मीन आज जो भाई जो मार मारी ऑस्ट्रेलिया को इन यंगस्टर्स ने, खास करके जयसवाल ने, रिंकू सिंह ने, ईशान किशन ने, कमाल बैटिंग यार। दे लाइक वेंट आफ्टर, मतलब पागलों की तरह इन्होंने ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की को सूद के रख दिया, क्योंकि कोई लिहाज नहीं है भाई इन बैट्समैनों को, मतलब किसी भी टीम का। मतलब ऑस्ट्रेलिया के ठीक है, ये वो ऑस्ट्रेलियन टीम नहीं है जो वर्ल्ड कप में खेली, लेकिन आई मीन आज भी वो वर्ल्ड कप टीम के जो मतलब मेंबर्स थे उसके 7 मेंबर्स आज खेले हैं, 6 मेंबर्स आज खेले हैं, और ट्रेवर्स हेड 7वां जो बाहर बैठा हुआ है, तो यानी कि 6 वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड के मेंबर्स थे आज भी टीम में। लेकिन जो मतलब डिसरिस्पेक्ट शो की गई है, मतलब ऑस्ट्रेलियन बॉलर मैक्सवेल जो के मतलब स्टार था ऑस्ट्रेलिया का इन द वर्ल्ड कप, ही वेंट फॉर 38 रन इन जस्ट 2 ओवर्स यार, मतलब 15 और 25, उसके 15 और 23। उसके बाद जो सीन शॉन एबर्ट की जो मतलब मार मारी इंडियन बैट्समैन ने, 3 ओवर में 56 रन, नियरली 18.5 रन पर ओवर। इंडिया ने आखिरी 7 ओवर्स में 111 रन किए हैं, 111 रन किए, दैट इज लाइक यू नो आई मीन एस्टॉनिशिंग। तो और फिर जो कॉन्फिडेंस इस इंडियन टीम का, और आई मीन सबसे बड़ी चीज ये कह रही है, जो सूर्य कुमार यादव का जो एटीट्यूड है ना, मतलब ठीक है वो परेशान होता होगा, सब कुछ होता होगा, टेंशन होती होगी, लेकिन यार इतना लेड बैक स्टाइल है उसका, मतलब मुझे अच्छा लगता है। बिश्नोई और अक्षर पटेल वर द टू बॉलर्स हु बेसिकली वन द मैच फॉर इंडिया। हैट्स ऑफ टू बिश्नोई, क्योंकि वो, लेकिन एक तो बिश्नोई छोटा है, ऊपर से वो फ्लैटर ट्रेजेक्टरी से बॉल करता है, बहुत ज्यादा एयर पर बिलीव ही नहीं करता, तो दोनों ने मिलके काम उतारा, और वो भूखे शेरों की तरह, यानी कि वो जो यंग इंडियन बैम्बूजल वाला सीन है ना, रेटल हाँ रेटल, भूखे शेरों की तरह आज लपेटा है आज। ये पली पलाई ऑस्ट्रेलिया को मारा है ये बच्चे, पली पलाई मतलब स्मिथ है, स्टॉइनिस है, आज तो मैक्सवेल है, वेड है, जो शाइन का करियर खराब कर गया, वेड था इसके अंदर, शॉन एबर्ट भी है, नेथन एलिस है, 9 मैचेस 18 विकेट, उसकी तो प्रोफाइल ही 14 रन का एवरेज, 14 रन पर विकेट एवरेज आ रहा है, मतलब एडम जंपा है इसके अंदर, कि जिसने आपको 200 रन का इनिशिएटिव देता हुआ बैट्समैन जयसवाल नजर आया, असल में जयसवाल ने मैच बनाया भाई, जो 200 के बाद ऊपर ले गया 31 रन 9 बॉल। आते नहीं ये जयसवाल ने जो शुरू में बाजी पलटी है, और रिंकू फ्रॉम अलीगढ़ को ना भूलना, असल में उसने इनको गेम से बाहर कर दिया, असल में मैं इतना मारूंगा इंडियन 9-10 बॉलों पे, 200 चेस करना भूल जाओगे। उन्हें ये मालूम था कि भैया रिंकू सिंह पागल आदमी है तो 5-5 छक्के भी मार देता है, चेस करता होगा, तो बैटिंग इन्हें दे दो। तो रिंकू को किसी ने बताया कि तेरे खौफ से बेटा इन्होंने बैटिंग दी है, उसने कहा मैं पहले ही तेरे कर दूंगा कि बनाते रहो। पकड़ के बजा दिया घंटा दूसरे T20 मैच में,
इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि 235 T20 में बेटा इतने भी इजी नहीं है कि चेज हो जाए। बजा दिया ऑस्ट्रेलिया का घंटा मुसलसल दूसरी बार वर्ल्ड कप के बाद, पहले T20 में, फिर अब दूसरे T20 में ऑस्ट्रेलिया का पकड़ के घंटा बजा दिया। ये मैक्सवेल को ले आए, ट्रेवर्स हेड को ले आए, अपनी अम्मी को ले आए, अपने अप्पू को ले आए, इनका घंटा बजनी बजना है बेटा, आपका घंटा पक्का हो गया हुआ है। एक चीज बजनी बजनी है, वो ऑस्ट्रेलिया का घंटा है। अब लाना पैट कमिंस के बच्चे भाई रहा, जो तू कहता है गाबा वाली हार का बदला लिया है, गाबा तेरे अंदर डंडा जा रहा है। अब फाइनल की हार का बदला इंडिया ले रहा है, पता कौन ले रहा है? उनके बच्चे बदला ले रहे हैं बेटा। अभी विराट कोहली तो आया ही नहीं है, अभी रोहित शर्मा तो आया नहीं है, अभी वो जो है जसप्रीत बुमराह तो आया नहीं है। भाई उनके बच्चे, उनके यंग टैलेंट, उनका यंग टैलेंट आईपीएल का टैलेंट बदला ले रहा है आपसे वर्ल्ड कप का। टैलेंट रिंकू सिंह बेटा आपके अंदर चला गया हुआ है, रिंकू सिंह ने आपकी रात की नींदें हराम कर दी हुई है। वो जसवाल आपको सोने नहीं देता रात को। ऑस्ट्रेलिया बेटा बड़ा बहुत बुरे तरीके से फंसा हुआ है, इन्होंने बड़ा सख्त पंगा ले लिया है। अब इनका सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम घंटा बजेगा, तीनों टाइम घंटा बजेगा। वो टुका लग गया, प्लेयर थके हुए थे तो हम जीत नहीं पाए, दूसरे T20 मैच हम जीत जाएंगे। मेरा छनकना आप जीतोगे, कहां जीते हो आप लोग, आप तो बढ़ गए हो। इस पिच पे 235 बन भी सकते थे, लेकिन इंडिया की बॉलिंग लाइनअप भी तो है ना, ये वो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप तो नहीं ना कि ठुलड़, ये 400 भी बनवा दे, ये 300 भी बनवा दे, ये एल भी लगवा दे, ये छनकना भी भिजवा दे, ये घंटा भी भिजवा दे, ये इंडिया की बॉलिंग लाइनअप है। मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया को बॉलिंग क्या करनी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया को नहीं फेस करनी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया बैकपैक करे और घर जाए। उसकी वजह यह है कि ये जो बदला ले रहे हैं ना, मेरे हिसाब से ये बदला है हाँ। क्योंकि हम लोग एशियाई जो लोग हैं क्रिकेट से बड़ा इमोशनली अटैच है, और इन्होंने वर्ल्ड कप जीत के उसकी बेर हुरमती कर ली। चार साल हम वर्ल्ड कप का इंतजार करते थे, ये ट्रॉफी जीत के उस पर पांव रख के बैठे हुए, वही मैं कह रहा हूँ, पर पांव रख के बैठे हुए हैं। तो ये इंडिया ने बताया कि भाई तुम लोग उस दिन तुम्हारा दिन अच्छा था, तुम जीत गए, वरना तुम्हारी इतनी खास टीम आज देख ले, मैक्सवेल खेल रहा था, जैम्पा खेल रहा था, डेसी शोर था, मार्कस स्टोइनिस थे, स्टीव स्मिथ ओपन आ रहे थे, लेकिन उन्होंने आज किसी को नहीं माना। जयसवाल ने जो आज रोहित शर्मा की याद कराई है ना, उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने विराट कोहली की याद करवाई है। जिस तरह विराट कोहली बाली लेके चलता है, वो बाली लेके चला, उधर से जयसवाल ने आगे मारा 25 गेंदों पे मेरे ख्याल से 50, हाँ फिर खुद मारा, उसके बाद स्काई ने आगे पहली गेंद पे कैप्टन है वो कैप्टन, और पहली गेंद पे छक्का मार रहा है। और रिंकू सिंह ने 9 बॉल्स खेली और उनमें उसने एक भी सिंगल नहीं ली, छक्के चौके छक्के चौके, ये क्या हो रहा है? उसने कहा यार तुम बच्चे हो यार, ये क्या सिंगल किया, ये सिंगल इजाद किसने किया, छक्के मारो T20 है ये क्या, तुम ये जो इधर लगे रहते हो समर है ना इधर, हाँ टुक टुक बादशाह इधर बैठे होते हैं वो क्यों करते हो यार छक्के मारो। उसने उसकी अप्रोच आउटस्टैंडिंग थी, अनबिलीवेबल थी, उसने आया है और आते साथ उसने तबाही मचाई। 9 बॉल्स पे 31, ये क्या है, ये सिंगल किसी चीज का नाम है ना? सिंह की बात कर रही है ना, उसने मैं आपको बताता हूँ, वो भूल गए थे सिंगल लेना। ये इन लोगों को क्रिकेट पढ़ाई नहीं गई, बस खेलने आते हैं, इनको छिक्कों वाली क्रिकेट पढ़ाई गई है। और आज की टीम देखकर लगा कि आज किसी सीनियर प्लेयर की आज जरूरत नहीं थी उन्हें, आज यही टीम अगर आप जितने वो भरे हुए हैं ना, इसमें भूखे शेर बने हुए हैं, इसी तरह आप इनको T20 वर्ल्ड कप में जीत दो तो भेज दो, तो ये लोग जीत के आपके हाथ में T20 वर्ल्ड कप रख देंगे। ऐसा ही है, आपको क्या लगता है ये बी टीम थी, ये बी टीम, ये मैं कह रहा हूँ ए प्लस 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 टीम थी, ये किधर से बी टीम है, बी टीम तो मुझे ऑस्ट्रेलिया बल्कि सी टीम लग रही थी, लगे वहाँ पे सारे ए ग्रेड प्लेयर थे, और जो उन्होंने उनका हाल कर दिया। अभी तो 3 T20 और है ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने असल में ना ये 235 करने का मकसद ये था कि भाई तुम अगर हमें 208 मार सकते हो पहले में, हमने तो चेस कर दिया, अब हमने 235 किया, हमने तुमने चेस नहीं करने देना, उन्होंने आज नहीं करने दिया।